अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर दिया था और यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा फोगीना और कड़क दूध पत्ती चाय और स्क्वाश वेब में पराठे। और आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। और भाई आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जो है 150 जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं कम्प्लीट। तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वैसे तो ना हस्बैंड ने कहा था कि भाई 150 जो है सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ट्रीट दूंगा, लेकिन ना आज हस्बैंड जो है ना बिल्कुल ही मुकर गए कि जो है मुझे ट्रीट देनी थी कि नहीं देनी थी। तो बस फिर उन्होंने कहा अब 200 कर लो, फिर ऐसे ही दूंगा आपको जो है ना ट्रीट। तो बस जी यहाँ पर जो है ना सिंपल वाला बन रहा है पुलाव, और जो है यहाँ पर बीफ जो है ना मैंने यखनी बनाकर रखा हुआ था, तो थोड़े फिर मैं ना इसमें आलू भी शामिल कर दूँगी। और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों की तबीयत ख़राब है और अम्मी जी आ गई थी, तो बस जी यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह काट कर दे रही थी, क्योंकि अम्मियों का तो आप लोगों को पता है ना कि बैठना तो उन्होंने होता ही नहीं है। कितना भी आप मना कर लेना और पकड़ पकड़ कर बिठा दें कि अम्मी आप रहने दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन माओं का तो यही होता है ना कि हाय मेरी बच्ची अकेली लगी हुई है, एक तो चलो मैं कोई काम करवा लूँ। तो बस जी यहाँ जल्दी जल्दी फटाफट जो है पुलाव बन रहा था और बहुत सिंपल वाला पुलाव था, तो इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज ना मेरा रेसिपी देने का मूड नहीं था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 150 सब्सक्राइबर भी कोई इतने ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिस जो है स्पीड से इतना स्लो स्लो मेरा चैनल पिछले दिनों चल रहा था ना, तो बस मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस रह रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह से इन दिनों जो है थोड़े काफ़ी जो है सब्सक्राइबर आ गए और 150 सब्सक्राइबर मेरे लिए तो होना बड़ी ही एज़ाज़ की बात है, क्योंकि जो है हम हाउसवाइफ का तो यही है कि व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो बस जी इतना कोई ख़ास तो नहीं, अपनी रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और रूटीन की टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपीज़। और मैं तो जो है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा 100% जो है कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें इस तरह की शेयर करूँ जो आप लोगों के काम आएँ। और जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली जो है ब्लैंकेट धोने का जो है आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और किचन की जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी कि क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ मैं और थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था उसकी वीडियो बनाई, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस जी ये बस छोटी छोटी कोशिशें हैं मेरी जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर रही हूँ। बस जी लास्ट में यहाँ पर हस्बैंड ट्रीट दे ही दी थी, टिक्के शिक्के लेकर आ गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।